हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जेईई मेन केमिस्ट्री में। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो उसकी तरफ जरा नजर डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये कि द कंपाउंड सिस पीटीसीएल होल ट्वाइस एनएच3 होल ट्वाइस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ये एनसीईआरटी में भी दिया है कि ये इस कंपाउंड का नाम सिसप्लेटिन होता है और ये ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो आपको ये याद रखना है, ये कंपाउंड, इसे हम सिसप्लेटिन कहते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू WHO एंड US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्होंने कुछ गाइडलाइन दिए, मेटल दिया है और उस मेटल का ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए पीपीएम पीपीएम में, तो वो दिया हुआ है। ये टेबल आपको याद रखना है, इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत बार पूछा भी चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो देख सकते हैं इस टेबल में उसका आंसर 3 PPM है, तो आपको ये टेबल याद रखना है। उसके बाद, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन, तो ये तो एक मतलब 8th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन तब भी ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, इसका आंसर ग्लोबल वार्मिंग ही है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर क्लाउड फॉर्म्स, ये और रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी लिव, इन दोनों का आंसर ट्रोपोस्फियर है। आपको लग सकता है कि क्लाउड तो स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म होते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर ट्रोपोस्फियर है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद, द अलॉय यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में जो अलॉय यूज होता है वो MgAl अलॉय होता है, इसे हम मैग्नीलियम अलॉय कहते हैं और ये लाइट, टफ और स्ट्रॉन्ग होता है और इसलिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी और ये पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।